तो हाँ जी सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे इस गोल मटोल से दिखने वाले सफेद मोती के बारे में, जो भारत में साबूदाना के नाम से जाना जाता है और भारत के लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग इसका घोल बनाकर इसे पीते हैं। साबूदाना हमारे हेल्थ के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता है, इसीलिए तो कई डॉक्टर्स मरीजों को दवाई के बजाय साबूदाना खाना सजेस्ट करते हैं। लेकिन यह सवाल लोगों के बीच सदियों से चली आ रही है कि आखिरकार यह साबूदाना बनता कैसे है। कई लोगों का तो यह मानना है कि यह साबूदाना समुद्र से निकला हुआ मोती होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह चावल की तरह पेड़ में उगते हैं। आखिर क्या है साबूदाना का रहस्य, तो चलिए जानते हैं व्रत में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आइटम साबूदाना के बारे में। दोस्तों, साबूदाना टैबियोका यानी कि कसाबा के पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। यह कसाबा शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसीलिए यह बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जड़ से काट कर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को कसाबा रूट कहा जाता है। अभी इन कसाबा रूट्स में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसाबा रूट्स को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह धो लिया जाता है। उसके बाद सारे कसाबा के फलों को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसाबा के फलों से छिलकों को निकाल देती है। निकलने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद थोड़े मोड़े गंदगी भी साफ हो जाते हैं। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल दूधिया सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। उसके बाद सारे छिले हुए कसाबा रूट्स को एक ग्राइंडर मशीन में भेज देते हैं, जहां इनको महीन पीसा जाएगा। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये दूधिया रंग के गाढ़े थक्के के रूप में जमा हो जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उनसे सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, या कहे तो रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर स्टार्च और फाइबर अलग करने के बाद जो गुदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कसाबा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है, इसीलिए अब इनको फिर से मिल में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पिसा जाता है। दोस्तों, ग्राइंड होने के बाद यह आरा रोट में बदल जाता है। जी हाँ, इसी क्रम में आरा रोट को भी बनाया जाता है। अगर आप आरा रोट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। वैसे आरा रोट का यूज क्या होता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब अंतिम चरण में आरा रोट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए आरा रोट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सारे आरा रोट को 1 mm से 7 mm के गोलाकार में बदल देता है। तो भैया जी, कुछ ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। दोस्तों, अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक रंग बिरंगे पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे आपको तो वीडियो पसंद आई ही होगी, तो इसीलिए इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। वैसे आप इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है।